हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के हॉल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये हॉल बिलोंग करता है मेरे घर और किचन से। फैशन एंड ब्यूटी के हॉल तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन घर के लिए और किचन के लिए कुछ खरीदने का मज़ा ही अलग होता है, उसकी एक्साइटमेंट ही अलग लेवल की होती है। और बात करें अगर सिर्फ किचन की, तो मैं तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। तो आज के इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ घर से रिलेटेड हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं और कुछ मेरे किचन से, जो कि मेरी फेवरेट थी, बहुत दिनों से नज़र थी तो मैंने उनको बाय कर लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो कोलैबोरेशन है विद MHS, तो उसके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको अलग अलग लिंक भी मिल जाएंगे जिन पर क्लिक करके आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर पसंद आता है तो उसको बाय कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक सिंगल लिंक के थ्रू आप पहुंच सकते हो उन सारी चीज़ों तक जिनके हॉल अभी तक मैंने शेयर किए हैं, और उनको देख सकते हो, उनके रिव्यूज चेक कर सकते हो और उनको परचेज भी कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन करके ये हॉल शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, पहला क्या दूसरा दो प्रोडक्ट हैं, एक के बाद एक मैं दिखाने वाली हूँ, वो रीपरचेज है। उनको मैंने पहले परचेज किया हुआ है और वो मुझे बहुत पसंद आए। उनको मैं एक साल से यूज़ कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने उनको दोबारा परचेज किया है, क्योंकि जब क्वालिटी अच्छी होती है तो आप ले सकते हो दोबारा। तो जैसा कि आपने मेरे किचन में हमेशा नोटिस किया होगा, मैं ये ट्रेयो के क्यूब जार यूज़ करती हूँ अपने स्पाइस रखने के लिए, चाय पत्ती चीनी भी रखती हूँ, दालें रखने के लिए। बहुत ही अलग अलग साइज़ के मेरे पास इनके डब्बे हैं, और ये मैंने ट्रियो का मेनली जो ये साइज़ है इसमें मैं चीनी पत्ती रखती हूँ, आपने देखा होगा। ये मैंने दो परचेज़ और किए हैं, ये एक्चुअली मैं कलेक्शन बना रही हूँ फिर से दालें रखने का। अभी सिर्फ मैंने दो ही मंगाए हैं, लेकिन हाँ मैं इसको बल्क में परचेज़ करूँगी आगे, क्योंकि मुझे अभी और थोड़े से डिब्बों की ज़रूरत है। ये वाले ट्रियो के जार मैंने दिवाली में परचेज़ किए थे, इनमें मैं चीनी पत्ती रखती हूँ और ये बहुत अच्छे हैं। मतलब इतने छोटू से क्यूट से हैं, लेकिन इनमें बहुत अच्छा खासा सामान आ जाता है, तो इस टाइप के छोटे छोटे जार में और ऑर्डर करूँगी। ये जो चीज़ है ना, ये मेरी जांची परखी है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस भी ठीक है। मुझे पर्सनली ट्रेयो के कंटेनर्स बहुत पसंद आते हैं, तो एक तो मैंने ये ऑर्डर किया है इस साइज़ में, और दूसरा मैंने ये वाले क्यूब जार्स ऑर्डर किए हैं। ये भी ट्रेयो के हैं और ये स्पाइस रखने के लिए जो छोटे छोटे हैं ना मेरे पास, वही हैं। ये 6 का सेट है, ये देखिए, ये आपने ज़रूर मेरी वीडियोस में देखे होंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी 6 12 हैं टोटल, और ये एक मैंने और ऑर्डर किया है बिकॉज स्पाइस कितने सारे होते हैं, कितने सारे हम मसाले यूज़ करते हैं, तो मैंने ये 6 का सेट जो है ये परचेज़ किया। ये टोटल 6 का सेट है। अगर इनके कैपेसिटी की बात करें तो ये 310 ml की कैपेसिटी है, इनकी 6 पीस हैं, और ये वाली 580 ml की कैपेसिटी है। उसके बाद यहाँ पे ये एक बॉटल्स हैं, ये लॉन्ग, मैंने लंबी बॉटल्स बहुत दिन से मैं इनको देख रही थी। लाइक आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, खड़े मसाले रख सकते हो, या स्नैक्स के कोई आइटम आप इनमें करके रखो ना किचन, मतलब काउंटर टॉप पे, तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। बट ये ना उन्होंने गलती से कोई और ही चीज़ डिलीवर कर दिया है। ये वैसे ही बॉटल्स हैं लेकिन लुक वाइज बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं है बॉटल्स, तो इनका मैंने रिटर्न डाला हुआ है। मैं यहाँ पे ना एक पिक्चर लगा दूंगी जो बॉटल्स मैंने परचेज़ की हैं, तो उनके डिलीवरी डेट 1-2 दिन बाद है, तो ये वो लेकर जाएंगे और दूसरी वो लेकर आएंगे। ये इन टोटल 6 का सेट है, मैं पिक्चर लगा दूंगी तो आप समझ जाओगे। बाकी लिंक मैं उन्हीं बॉटल्स का दूंगी जो आने वाली हैं मेरे पास। ये तो बाय मिस्टेक आ गई हैं, कई बार ऐसा अमेज़ॉन पर हो जाता है, बट ईज़िली आप रिटर्न या फिर रिफ़ंड भी डाल सकते हो। और जब मैं बात कर रही हूँ स्पाइस की, बॉटल्स की, कंटेनर्स की, तो किचन के लिए मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए स्टैंड मंगवाया है। इसको भी मैं काफ़ी दिन से देख रही थी। तो ये इस टाइप के स्टेयर्स टाइप के ऑर्गेनाइज़र हैं जिन पे आप अपने स्पाइस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फिर दालें वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इस तरीके से सेल्फ में अगर आप इनको रखते हो ना, तो जो पीछे का आइटम होता है वो ईजिली विजिबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाइट। तो ये इस तरीके से थोड़ा कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके का है। मेनली मैंने इसको सोचा है कि मैं स्पाइस जहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वहाँ पर मैं इसको रखूँगी। ये दो मैंने मंगाए हैं, ये ना इंडिविजुअल भी मिलते हैं, सेट के साथ भी आप ले सकते हो, ये 4 का सेट भी ले सकते हो जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो। तो मैंने 2 का सेट ऑर्डर किया है, और इनकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छा क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि जैसे टूटने वाला, देख के ही पता चल जाता है ना प्लास्टिक का क्वालिटी, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा और काफ़ी गुड क्वालिटी स्टफ़ ये मुझे लगा है, तो आप इनको डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो, मुझे तो काफ़ी पसंद आया है ये। तो किचन का सामान अभी और है, लेकिन जैसे कि मैं बेस्ट फॉर द लास्ट या फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होता है वो मैं लास्ट में दिखाती हूँ, तो वो
मैं लास्ट में दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैंने कुछ बेडशीट भी ऑर्डर किए हैं और कुछ मैंने दोहर ऑर्डर करी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेडशीट दिखा देती हूँ। सबसे पहला बेडशीट है ये वाला। इसका जो कलर है ना, ग्रे एंड येलो मिक्स होके मुझे बहुत पसंद आया था। इसका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, और ये मेरा थोड़ा सा जो बेडरूम है उससे थोड़ा सा क्या अच्छा खासा मैच करता है। तो ये कॉटन का बेडशीट है और काफ़ी अच्छा स्टफ़ लग रहा है छूने पे। बाकी बेडशीट वगैरह का ऐसा होता है, जब तक आप उनको यूज़ ना करो, वॉश ना करो, एक दो बार पता नहीं लगता है, लेकिन छूने पर ये अच्छा लग रहा है। थ्रेड काउंट इसका अच्छा लग रहा है मुझे छूने पे। ये कुछ ट्री टाइप का कुछ इस तरीके से पैटर्न है। इसको मैं बिछा के भी आपको दिखा दूंगी कि ये कैसा लग रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, और इसके ऊपर ये जो पिलो कवर्स दिए हुए हैं काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। तो अगर आपके पास बड़े बड़े पिलो हैं ना, तो उनके लिए भी ये परफेक्ट रहेंगे। इनमें चेन वगैरह नहीं है, सिंपल जो फोल्ड करके पिलो कवर लगाते हैं वैसे हैं ये, और इस टाइप के पिलो कवर हैं। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ना, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक बेडशीट मैंने ये ऑर्डर किया है। दूसरा बेडशीट है जो कि बहुत कलरफुल है, वो है ये वाला। इसको तो मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, मेनली वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका जो पैटर्न है बहुत ही अच्छा है। और इसको छू के मैं कह सकती हूँ कि इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है, थ्रेड काउंट भी मुझे अच्छा लग रहा है। बट जैसा कि मैंने कहा, इसको वॉश करूँगी तभी मुझे पता चलेगा। लेकिन मैं हमेशा जब भी कुछ अमेज़ॉन से ऑर्डर करती हूँ, चाहे वो ब्यूटी से रिलेटेड हो, फैशन से, या फिर मेरे घर से रिलेटेड हो, हमेशा मैं रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ती हूँ और उन्हीं चीज़ों को ऑर्डर करती हूँ जिनको अच्छे स्टार और अच्छे रिव्यू मिले हों। तो ये दोनों जो बेडशीट हैं, या इसके अलावा जो भी मैंने सामान मंगाया, उनको अच्छे रिव्यू और अच्छे स्टार मिले हुए हैं। तो ये सब सर्च करके ही मैं कुछ चीज़ ऑर्डर करती हूँ या आपके सामने लेकर आती हूँ। ये है सेकंड बेडशीट। आपको ना स्क्रीन पे देख के ही इसको मज़ा आ जाएगा, मुझे इतनी पसंद आई है। बहुत ही कहते हैं ना, हैप्पी मूड वाली बेडशीट है ये। और वाइट के ऊपर ये जो पैटर्न बनाया हुआ है ना, ये बहुत ही कमाल का है। थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का भी पैटर्न है, और एट द सेम टाइम बहुत ही मॉडर्न कलर एंड कॉम्बिनेशन और पैटर्न भी है। तो दोनों चीज़ों में आप इसको काउंट कर सकते हो। इसका जो पिलो कवर्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, कुछ हल्का ब्लू ग्रे रॉक टाइप का कलर मिक्स करके हैं ये, और पूरा एकदम प्लेन है। काफ़ी बड़े बड़े कवर हैं ये, पूरा इस तरीके से प्लेन है, लेकिन बीच में ये हल्का सा जो इन्होंने प्रिंट दिया हुआ है ना, ये इस पर चार चांद लगा रहा है। और इस बेडशीट के साथ में, जैसे इतना प्रिंटेड बेडशीट है, तो उसके साथ में पिलो कवर प्लेन बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सेकेंड बेडशीट है ये। उसके बाद मैंने मंगाई हैं दोहर, एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहली दोहर है ये। तीनों जो दोहर है मैंने एक ही ब्रांड की मंगवाई हैं। फर्स्ट ये है, और मैंने ना सिंगल बेड की मंगवाई है, क्योंकि डबल बेड का कुछ भी हम लोग तीनों जन यूज़ करते हैं तो लड़ाई झगड़ा होके रात में ना, वो एक के ऊपर होती है और बाकी दो के ऊपर होती ही नहीं है। तो डबल बेड तो रखने का मेरे घर में कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने तीन दोहर मंगाई हैं, तीनों सिंगल बेड की मंगवाई हैं, कि अपनी अपनी लो, अपनी अपनी ओढ़ के मस्त रहो। वैसे भी हम लोग गर्मियों में जो चादर ओढ़ते हैं वो अलग ही अलग ओढ़ते हैं, क्योंकि एक में किसी का गुजारा नहीं होता है, सब लोग एक दूसरे की छीन लेते हैं। तो फर्स्ट दोहर है ये, जिसका कलर देखिए आप कितना अच्छा है। इसको आप बोथ साइड से यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हैं ना कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल लाइट हल्का, बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये पैटर्न देखिए, फ्लावर एंड लीफ का पैटर्न है, और दूसरी साइड से ये थोड़ा जिगजैग टाइप का पैटर्न है, तो आप इधर से भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड वाली सेम ब्रांड की है, सेम क्वालिटी की है, और सेम प्राइस की तीनों हैं। ये वाइट एंड ग्रीन एंड ब्लैक कलर से इसके ऊपर पैटर्न किया गया है। तो इस साइड से ये कुछ ऐसी दिख रही है, आप देख सकते हो। बहुत ही लाइट कलर है इसका, वाइट पे ग्रीन एंड ब्लैक कलर का इस तरीके से छोटा छोटा पैटर्न बनाया गया है लीव्स एंड फ्लावर्स का। और दूसरी तरफ से ये इस तरीके से है, हल्का सा मेहंदी ग्रीन कलर, और इस टाइप के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये इसकी चौड़ाई है, एक एक जन के लिए काफ़ी अच्छा है, और लंबाई तो खैर पूरा फुल लेंथ होती है। तो इस तरीके से है ये है सेकंड दोहर। और दोहर में ना इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर्स थे, मेनली जो माइल्ड हल्के हल्के कलर होते हैं या फिर जो पेस्टल कलर होते हैं, उनकी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी दोहर। डबल बेड की भी बहुत अच्छी अच्छी थी। मैंने रीज़न बताया डबल बेड मैंने क्यों नहीं मंगाया, तो मैंने सारे सिंगल बेड की ही मंगा लिए हैं, पर बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है वहाँ पर। और इस पर भी दोनों साइड से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, इस साइड कुछ इस तरीके का वाइट एंड ग्रे एंड ब्लैक से इस पर पैटर्न दिया हुआ है, और दूसरी साइड है इस तरीके से पैटर्न है। तो आप दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो। ये वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया।
तो ये ग्रे एंड वाइट का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बाकी प्राइस, क्वालिटी ये सारा तीनों का एक जैसा है, सेम है, बिकॉज तीनों एक ही ब्रांड के हैं। और अब सिर्फ लास्ट में दो चीज़ें बची हैं, तो सबसे लास्ट में जो चीज़ है वो तो मेरी फेवरेट है और खुशी से आपको समझ ही आ रहा होगा कि वो क्या है, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं। ये एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से प्लान कर रही थी, जो मेरा क्रॉकरी का कैबिनेट नहीं है, क्रॉकरी का एक सेक्शन है मेरे कैबिनेट में जहाँ पे मैं अपनी सारी डेली यूज़ की क्रॉकरी रखती हूँ, तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो वर्टिकल स्पेस है उसको अच्छे से यूज़ करने के लिए मैं इस टाइप का कुछ लेने का सोच रही थी। तो ये मैंने ऑर्डर किया है, ये इस टाइप से ना शेल्फ है, शेल्फ डिवाइडर आप इसको बोल सकते हो। इस तरीके से अगर आप इसको रखते हो तो नीचे आप बाउल्स लगा सकते हो, या फिर नीचे छोटी बड़ी प्लेट्स, ऊपर छोटी प्लेट्स, इस तरीके से आप जो वर्टिकल स्पेस है उसको यूज़ कर सकते हो। इसको भी मैं लगाऊंगी तब आपको दिखा दूंगी। तो कुछ इस तरीके का है ये, और इसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। वहाँ पे देख के इतना लग नहीं रहा था कि मजबूत होगा, लेकिन ये काफ़ी मजबूत है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका पेंट वगैरह बहुत अच्छे से, जो फिनिशिंग होता है ना, फिनिशिंग इसका बहुत अच्छा है। इनके लेग्स पे इस टाइप से प्लास्टिक से ये सील किया हुआ है सारा, जिसकी वजह से ये अपने प्लेस पे रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं, और दूसरा आपके जो शेल्फ वगैरह है ना उन पे स्क्रैच वगैरह भी आने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छे से लगाए हुए हैं। इस एक में ही मुझे लगता है मेरी सारी क्रॉकरी ऊपर नीचे करके अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी बेस्ट परचेज लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी, तो बेस्ट परचेज है ये। मेरे पास कास्ट आयरन के कई तरह के बर्तन हैं, मेनली कढ़ाई ही हैं, लेकिन मुझे इस तरह का एक स्किलेट चाहिए था। बड़ा भी ले सकती थी मैं, लेकिन मुझे छोटा बहुत क्यूट लग रहा था, काफ़ी दिनों से मेरी नज़र थी कि मैं ये लूँ, तो मैंने ये मंगाया है। ये है रॉक का है, ये इंदूस वैली का भी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी कढ़ाई है मेरी, और ये रॉक का है। ये मैंने पहली बार इस ब्रांड का कुछ ऑर्डर किया, तो इसको मैं यूज़ करके बताऊँगी। बाकी ये ना एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हैवी है, बहुत हैवी है, मतलब एक हाथ में लचक लग जाए ऐसा हैवी है। कास्ट आयरन के बर्तन वैसे भी हैवी होते हैं, लेकिन ये मुझे कुछ साइज़ के हिसाब से ज़्यादा ही हैवी लगा। इस तरीके का कुछ छोटू साइज़ का, डायमीटर आई थिंक 8 सेंटीमीटर या 8.5 सेंटीमीटर ऐसे ही है, और थोड़ी बहुत सब्ज़ी इसमें आराम से बन जाएगी, तड़का लग जाएगा, स्नैक्स आइटम कुछ बनाने तो वो बन जाएगा। फिनिशिंग की अगर बात करें तो फिनिशिंग मुझे अच्छी लगी, ऐसा कुछ ख़राब भी नहीं है और बहुत अच्छा फिनिशिंग भी नहीं है। मतलब ये बर्तन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे इसे रिटर्न करना पड़े, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। यहाँ पे जैसे कि ये थोड़ा थोड़ा सा ना शार्प पॉइंट जैसे हैं यहाँ पे एक दो जगह, बाकी और तवे में कहीं कुछ भी नहीं है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। बस खाली मुझे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो सकता था, एक इस जगह और एक दो जगह और है, यही मतलब ये जो कॉर्नर है इन्हीं पे। बाकी इसकी फिनिशिंग अच्छी है, सीजनिंग भी हो रखी है इसकी, बाकी मैं तो खुद भी करती हूँ, तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, यूज़ करने से पहले मैं इसकी सीजनिंग करूँगी। तो बस यही था टोटल सामान जो मैंने अपने घर के और अपने किचन के लिए मंगाया है। होपफुली आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, इनमें से अगर कुछ भी पसंद आया तो उनको आप ऑर्डर कर सकते हो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बट फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।